सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। दो दिन के दौरे पर केरल पहुंचे पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ सीपीएम और विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों के बीच संघर्ष से केरल को नुकसान हुआ है। उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर भी पिनराई विजयन सरकार पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, जब बीजेपी सरकार केरल की ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत में जुटे हैं, तो वहीं केरल में कुछ गोल्ड स्मगलिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में केरल की पारंपरिक औषधियों का जिक्र किया और बताया कि केन्या के पूर्व पीएम की बेटी का इसी से इलाज हुआ था। एक तरफ भाजपा की सरकार हम सभी लोग देश का एक्सपोर्ट बनाने के लिए हमारे केरल से ट्रेडिशनल दवाइयां मेडिसिन दुनिया में जाए उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं यहां केरला में दूसरा ही खेल कुछ लोग चला रहे हैं। यहां पर दिन रात कुछ लोग गोल्ड की स्मगलिंग के लिए मेहनत करते रहते हैं। केरला के नौजवानों से कोई सच्चाई छिपी नहीं है। वो जानते हैं कि सत्ता में बैठे कुछ लोग कैसे यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने के बाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि शेट्टार खुद हुबली सीट नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि हुबली ने बीजेपी को हमेशा चुना है। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने लियांगत को लेकर क्या किया है? इन्होंने इतिहास में सिर्फ दो लियांगत मुख्यमंत्री बनाए जिन्हें अपमानित कर निकाल दिया। कांग्रेस को यह बोलने का अधिकार नहीं है, बीजेपी ने सभी जाति को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। जगदीश शेट्टर ಅವರು ಹೋಗಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ವೋ ರೀಸನ್ ಭೀ ಪೂಛ್ ರಹೇ ಥೆ ಕೋಯಿ ಲಾಸ್ ನಹೀ ಹೋನಾ ಹೈ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂ ಚುನಾವ್ ಹಾರೆಂಗೆ ಹುಬ್ರಿ ನೇ ಹಮೇಶಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋ ವೋಟ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಹುಬ್ರಿ ನೇ ಕಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ನಹೀ ದಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಏಕ್ ಮುಸ್ತ್ ಹೈ ಏಕ್ ಝೂಠ್ ಹೈ ಔರ್ ಹುಬ್ರಿ ಕೇ ಅಂದರ್ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ್ ಸೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವ್ ಜಿತೇಗಿ। सर दिल्ली में सेकेंड इलेक्शन, सर ये दूसरा इलेक्शन है जहां माइनॉरिटीज को किसी को भी बीजेपी ने नहीं फील किया? नहीं, हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए हैं। हम मेजोरिटी माइनॉरिटी को कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है, जहां सीएम योगी आज रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर एक बजे रायबरेली, 3 बजे उन्नाव और शाम 7 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने सोमवार को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभाएं की और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा था। वहीं आज भी सीएम योगी जमकर विपक्षी दलों को घेर सकते हैं। तो बता दें कि आज लखनऊ में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है निकाय चुनाव को लेकर कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कल उन्होंने सहारनपुर, शामली, अमरोहा में जनसभाएं की थी, तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा था। तो वहीं आज रायबरेली, उन्नाव में सीएम योगी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, निकाय चुनाव को लेकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, आज रायबरेली, उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रचार प्रसार करेंगे अपनी पार्टी के लिए।
जी बिल्कुल, आपको बता दें नंदनी, सूबे के मुख्यमंत्री कल सहारनपुर में अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ कर चुके हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं देखें तो पश्चिम से चुनावी अभियान से शुरुआत के बाद उन्होंने पश्चिम में इस बात को कहते हुए नजर आए कि पश्चिम से कहीं ना कहीं अब दंगे नहीं होते हैं और पश्चिम के अंदर में कब्जे से लगते हैं। इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के अंदर में जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी तो उस समय पश्चिम में कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं पश्चिम में खड़े होते थे। उसी को मैं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री लखनऊ समेत उन्नाव और कानपुर के अंदर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि उन्नाव नगर निगम, लखनऊ नगर निगम और कानपुर नगर निगम में विभिन्न जनसभाओं को करके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील भी कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपने पैतरों से चुनावी प्रचार में है तो सूबे के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं जनता के बीच रख कर उसे सफलतापूर्वक बताते हुए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो सफलतापूर्वक जमीन पर उतर रही है और इसका प्रदेश भर की जनता इसका लाभ उठा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आम जो वोटर्स है उनसे समर्थन मांगने के लिए आज 3 जनसभा करेंगे। जी अशोक, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 को भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल जनसभाओं में जिस तरीके से कहा कि शामली को हम लोग शिमला बना देंगे, उनका एक बयान जो है कल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम इस तरीके से वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं तो निकाय चुनाव के साथ साथ वो 2024 को साधते हुए भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चुनाव को कहीं ना कहीं लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं अपने प्रचार अभियान से 24 की भी लोकसभा चुनाव की भी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कल लखनऊ आए थे जहां 24 को लेकर मंथन किया और विपक्षी एकता की बात की है कि बिहार के अंदर में एक विपक्षी दलों का एक बैठक होना है जिसमें 24 को लेकर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति पर बात होगी। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री भी अभी अगर बात करें तो प्रचार अभियान की शुरुआत के समय उन्होंने कहा कि सहारनपुर के बाद वो शामली गए तो शामली के अंदर में उन्होंने शामली को शिमला बनाने का तब देते हुए कहीं ना कहीं शामली के विकास पर बात की। इसको लेकर अब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो सिर्फ व्यक्तित्व है वो पश्चिम से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुका है और देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रचार का असर चुनाव के नतीजों पर कितना नजर आता है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। वहीं इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल है। बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार में डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा और शंकरपुरा गांव में महबूब के घर पर रेड मारी गई। वहीं मोतिहारी के चकिया में पीएफआई के सदस्य सज्जाद के घर टीम पहुंची। टीम यहां से सज्जाद का आईडी कार्ड लेकर गई है। इससे पहले एनआईए टीम ने पीएफआई के संगठन से जुड़े सदस्यों को पिछले महीने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। वहीं पीएफआई पर प्रतिबंधित लगने के बाद एनआईए उससे जुड़े लोगों की तलाश में कई बार मोतिहारी आ चुकी है। तो यूपी एमपी समेत 17 ठिकानों पर एक बार एनआईए ने फिर से पीएफआई पर छापा मारा है। पीएफआई के खिलाफ एक बार एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि यूपी एमपी समेत 17 ठिकानों पर एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। बता दें कि पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। यूपीएमपी समेत कई जगहों पर 17 ठिकानों पर पीएफआई के जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार एनआईए जो है पीएफआई पे इससे पहले भी छापामारी कर चुकी है। कई राज्यों से लोगों को कई पीएफआई के ठिकानों से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि भारत में प्रतिबंधित संगठन
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापा मारा गया है। वहीं इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल है। वहीं बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार में डेंटिस्ट जो डॉक्टर सारिक रजा और शंकरापुर गांव में महबूब के घर पर रेड मारी गई है। मोतिहारी के चकिया में पीएफआई के सदस्य सज्जाद के घर भी टीम पहुंची, तो लगातार जो है एनआईए की टीम पीएफआई पर छापेमारी कर रही है। टीम यहां से सज्जाद का आईडी कार्ड लेकर गई है। इससे पहले एनआईए की टीम पीएफआई संगठन से जुड़े सदस्यों को पिछले महीने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। वहीं पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद एनआईए उससे जुड़े लोगों की तलाश में कई बार मोतिहारी आ चुकी है, तो एनआईए ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन पीएफआई के लिए देखने को मिल रहा है। लगातार जो है पीएफआई के ठिकानों पर जा जाकर एनआईए वहां के लोगों का आईडी कार्ड ले रही है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और इसको लेकर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं एनआईए की छापेमारी से पीएफआई के सदस्य में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, एक बार फिर से एनआईए ने पीएफआई पर बड़ा एक्शन लेते हुए कई जगह छापेमारी की है, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से प्रतिबंधित संगठन जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, इसको लेकर के जिस तरीके से बैन है उसको लेकर के जो एनआईए की टीम है वो देश भर में 17 जगहों पर पूरी छापेमारी कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें यूपी के 2 जिले शामिल है, लेकिन उन जिलों का नाम नहीं खोला गया। जो बताया जा रहा है ये जो फंडिंग का मामला है, पीएफआई फंडिंग उसका इस्तेमाल हो रहा था, जिसको लेकर के छापेमारी की गई। इसके साथ ही जो बिहार का दरभंगा जिला है वहां पर जो उर्दू बाजार के एक डेंटिस्ट डॉक्टर है सारिक रजा, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें जो एनआईए की टीम छापेमारी की, फिलहाल एनआईए की तरफ से अभी कोई भी अपडेट इसमें नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीएफआई को लेकर की जो छापेमारी है उससे ये साफ है कि जिस तरीके पीएफआई की जो फंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं अपराधियों और जो एएसआई एजेंट है उनके विषय में भी शामिल होता है, उनको सहयोग देना होता है, उनके ठिकानों को सहयोग देना होता है। इन सभी चीजों को लेकर के एनआईए की टीम इससे पहले भी छापेमारी की थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन अब फिर से एनआईए की जो छापेमारी है वो लगातार तेज हो चुकी है और देश भर के 17 जगहों पर छापेमारी ये चली। लेकिन छापेमारी में अभी क्या कुछ गिरफ्तारी या क्या कुछ बरामदगी हुई है अभी इसका कोई भी खुलासा एनआईए की टीम की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि इसमें एक बड़ा खुलासा भी होगा और एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते दिन 6,607 नए केस आए हैं और 9,213 लोग इस वायरस से ठीक हुए हैं। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने वाले की कुल संख्या बढ़कर 4,43,11,078 हो गई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 63,380 है, जबकि रिकवरी रेट 98.67% है और डेली पॉजिटिविटी रेट जो है 3.52% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5.42% है। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 220.66 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी है। 102.74 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। 95.19 करोड़ से ज्यादा दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 22.272 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। खबर दिल्ली से है, जहां जंतर मंतर पर धरने का आज तीसरा दिन है। पहलवान पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी है। उनके ऊपर पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए अपील की जाएगी। शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ेंगे। विवेक, एक बार फिर से जो है जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा गया है। आज खिलाड़ियों का तीसरा दिन है WFI के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए।
देखिए इसके पहले जब जनवरी में पहलवानों ने महिला पहलवानों ने जनता मध्य पर प्रदर्शन किया था, बाकायदा धरना दिया था और WFI की जो तत्कालीन प्रेसिडेंट उस समय थे वेशभूषा कर थी उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था। सभी महिला पहलवान जो है देश भर से एकत्रित हुई थी, वहाँ पे पुरुष पहलवान भी एकत्रित हुए थे और अपने साथियों का सहयोग कर रहे थे और WFI के पक्षियों पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हमने देखा अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी वहां पे गए थे, बातचीत करके कई मसला सुलझाने की बात हो रही थी लेकिन बात नहीं बनी थी। इसके बाद आश्वासन लिया गया कि वेशभूषा कर्मी पे बकायदा एक कार्रवाई की जाएगी अगर जांच में वो दोषी पाया गया तो। लेकिन तीन महीने बाद अब जो है महिला पहलवान फिर से पिछले तीन दिनों से जनता मंत्र पर धरना दे रही है और अपनी मांगों को लेकर जो वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को शुक्रवार तक टाल दिया है और जो याचिका महिला पहलवान द्वारा लगाई गई थी उस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए उनको तलब भी किया है। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से शुक्रवार तक जवाब भी मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पक्ष जो है WFI के प्रेसिडेंट जो है वेशभूषा सिंह रखते हैं क्योंकि अब तक उनका कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। अगर पिछले बयानों की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं अगर कोई पुख्ता सबूत है तो उसको लेकर आइए, मैं सदस्य पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 अप्रैल 1919 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आज जारी होगा। मिली जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ट्वीट कर नतीजे जारी होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल यानी आज दोपहर 1:30 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। तो बता दें कि आज जो है यूपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है आज घोषित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, आज 12वीं और 10वीं के परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा यूपी बोर्ड के। जी नंदनी, आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणामों का आज रिजल्ट आएगा, जिसमें अगर बात करें तो प्रदेश भर के जो तमाम छात्र इस बार 10वीं और 12वीं के एग्जाम में शिरकत किए हैं, हिस्सा दिए हैं, उनके कहीं ना कहीं भविष्य का फैसला होगा। इसको बात करें तो इस मामले को लेकर प्रदेश भर के जो छात्र हैं उनके अंदर उत्साह है और कहीं ना कहीं इस बात पर अगर बात की जाए तो इसको लेकर स्कूलों में तैयारियां भी कर ली गई हैं छात्रों को सम्मानित करने के लिए और साथ ही तमाम स्कूलों में गार्जियनों को भी बुलाया गया है, उनके समक्ष टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जिससे छात्र अपने रिजल्ट स्कूल में देख सकें। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। आज सुबह केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। केदारधाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु
कपाट उद्घाटन की पावन बेला के साक्षी बने। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। दरअसल सुबह 5 बजे से ही कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि डायल 112 पर मैसेज भेजकर सीएम को धमकी दी गई, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। आज के लिए इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।